मॉक टेस्ट सही तरह से एनालाइज केवल 1-3% एस्पिरेंट्स करते हैं, बिकॉज एनालिसिस ऑफ एनीथिंग रिक्वायर्स स्पेंडिंग एनर्जी और वो आपका ब्रेन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। सो अगर आप मॉक टेस्ट एनालाइज करते हो देन कॉन्ग्रेट्स, यू आर ऑलरेडी अमॉन्ग द टॉप 5-10% एस्पिरेंट्स। नाउ इस वीडियो में आई विल टेल यू द राइट वे ऑफ एनालाइजिंग मॉक्स जो आपको टॉप 5% से भी 0.5% एस्पिरेंट्स में लेके आ जाएगा। बट उससे पहले लेट मी गिव यू सम प्रिलिमिनरी टिप्स। फर्स्ट 24-36 आवर्स, यस, जिस दिन आपने मॉक दिया है उसी दिन एनालाइज करो, बिकॉज अगर आप बहुत दिनों बाद उसको एनालाइज करते हो तो आपने टेस्ट अटेम्प्ट करते समय क्या लॉजिक से कोई ऑप्शन चूज करा था ये भूल जाओगे तब तक। एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस का पर्पस क्या होता है, आपका जो लॉजिक है उसको इंप्रूव करना ही ना, तो फिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मॉक टेस्ट एनालाइज करो। कीप द रफ शीट ऑन विच यू वर्कड, ये मेजरली मैथ सेक्शन में आपको हेल्प करेगा टू रिव्यू द कैलकुलेशंस दैट यू हैड डन। और जब आप मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे तो आप देख पाओगे कि मैंने क्या एक्चुअली कैलकुलेशंस करी थी, क्या मेरी मिस्टेक्स थी एंड सो ऑन। स्पेयर एटलीस्ट 2-4 आवर्स, 2 घंटे का मॉक होता है तो आपको 2-4 घंटा कम से कम एनालिसिस के लिए लगाना है, बिकॉज आप एनालिसिस करते समय केवल देखोगे नहीं उस मॉक को, आपको क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व करने पड़ेंगे वापस से। आई नो 2-4 घंटा बहुत ज्यादा होता है एंड इट इज वेरी बोरिंग, बट जो स्टूडेंट्स इस बोरिंग फेज को इंडियोर कर लेते हैं और अपने जो नेसेसरी सेक्रीफाइसेस वो कर लेते हैं वो ही जाके सक्सेसफुल बनते हैं। एंड मैं ये कई बार कह चुका अपने वीडियोस में, क्लैट इज एन इनपुट एंड आउटपुट गेम। आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सॉल्व करो, अपनी गलती देखो, गलती को इंप्रूव करो एंड फिर और ज्यादा टेस्ट दो, सक्सेस इज इनएविटेबल इन दैट केस। तो ये तो होगी कुछ टिप्स, नाउ हम बात करेंगे 3 स्टेप फॉर मॉक एनालिसिस। इसमें 3rd स्टेप सबसे ज्यादा क्रूशियल है, बट पहले 1st स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। 1st स्टेप, सॉल्व द अनसॉल्व्ड एंड रॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट। सो आपको सारे क्वेश्चंस के थ्रू जाना है, बट सबसे पहले उनके थ्रू जाना है जो आपने लीव कर दिए थे और जो आपके गलत आए थे। जो आपने लीव करे तो इसमें 2 चीजें होगी। 1st चीज तो आइदर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन नाउ, तो ये एक अच्छा केस है। इस केस में आपको बस अपना टाइम रिड्यूस करने की जरूरत है ओवरऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, साथ ही साथ ओवरऑल मॉक को सॉल्व करने में। और 2nd केस वो हो सकता है जहां पे आप सॉल्व अभी भी नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को, इस केस में आपको कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने की जरूरत है। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिसमें आप रॉन्ग थे, स्ट्रेट अवे रॉन्ग थे फॉर दैट मैटर। इसमें अब आपको ये देखना है कि मैं रॉन्ग क्यों था। कुछ रीजंस होते हैं रॉन्ग होने के। 1st इज आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है इसलिए आपका गलत आया। 2nd, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपने फैक्ट कोई मिस कर दिया क्वेश्चन रीड करते समय, आपने कोई पॉइंट को मिस इंटरप्रेट कर दिया एंड सो ऑन, तो ये प्रैक्टिस के साथ ही बेटर होगा, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। 3rd चीज, आपकी रीजनिंग अलाइंड नहीं है सही रीजनिंग से, ये जो रिक्वायर्ड रीजनिंग है एग्जाम में उससे आपकी रीजनिंग अलाइंड नहीं है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। 4th चीज, आपने सेक्शन स्पेसिफिक मिस्टेक कुछ करी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 5th थिंग, जो आप ऑलरेडी जानते हो, यू आर डूइंग सिली मिस्टेक्स। तो 1st, 2nd और 5th तो आप खुद समझ गए हो, 3rd और 4th पे मैं और बात करता हूँ। सो व्हेन आई से दैट द रीजनिंग इज नॉट अलाइंड, इसका मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल, आपने क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में कोई क्वेश्चन सॉल्व करा और उसका कोई ऑप्शन चूज करा एज एन आंसर। नाउ गो टू द आंसर शीट एंड वहां पे सी द डिटेल्ड आंसर। डिटेल आंसर जब आप जाके रीड करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, मेरा ए ऑप्शन चूज करने के पीछे ये रीजनिंग थी, बट सही आंसर बी है और उसके पीछे ये रीजनिंग है। तो आपको देखना है कि गैप कहाँ पे रह गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप गैप आइडेंटिफाई करो। एंड बिलीव मी, 50-100 बार आप अपनी रीजनिंग को सही रीजनिंग से कंपेयर कर लोगे ना, तो आपकी रीजनिंग सही रीजनिंग से अलाइन करने लग जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। दिस विल हेल्प इन इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉ, जहां पे आपको अपनी रीजनिंग मेनली यूज करनी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इट्स बेसिकली जस्ट लाइक आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जब, और फिर इनकी आंसर एक्सप्लेनेशन पढ़ने लग जाओगे, तो फिर आप खुद भी उस तरीके से सोचने लग जाओगे जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये सही रीजनिंग है और ये आपकी रीजनिंग थी। आप धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपकी रीजनिंग अलाइन करने लग जाएगी जो सही रीजनिंग है उससे। दिस इज बिकॉज आपने अपना आपको एक्सपोज कर दिया इस रीजनिंग से कई बार एंड फिर ये अलाइन करने लग जाएगी। तो ये बात होगी 3rd पॉइंट की। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दी 4th पॉइंट, सेक्शन स्पेसिफिक मिस्टेक्स। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत आया तो हो सकता है वो सेक्शन या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिस्टेक्स के कारण हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इंग्लिश में यू गॉट द आंसर रॉन्ग बिकॉज आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, उसके कारण पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आया और उसके कारण आपको पैसेज समझ में नहीं आया। या फिर जीके में आपने लास्ट मंथ की रिवाइज नहीं करी थी, जीके बैकलॉग अभी भी आपका है, तो फिर आपकी जीके में कम नंबर आ गए। मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाए आप। सीआर में आप आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्वेश्चन सही तरह से समझ नहीं पाए। अगर आप आर्ग्यूमेंट सही तरह से समझ नहीं पाए तो फिर आप उसको स्ट्रेंथन या फिर वीकन कैसे करोगे। लॉ में हो सकता है आपने कंडीशंस सही तरह से नहीं समझी, और अगर आप कंडीशंस सही तरह से नहीं समझ पाए तो फिर आप क्वेश्चन सही तरह से नहीं सॉल्व कर पाओगे। कंडीशंस क्या होता है मैंने अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प भी मैंने डाल रखा है जहां पे आप जाके देख सकते हो
सकते हो कि conditions का मतलब होता क्या है. This is very important. Section specific mistakes का ये है कि आपको identify करनी हर एक section में कुछ specific mistakes होती है उन्हें और practice करते रहना है जब तक आप उन mistakes को खत्म या फिर बहुत कम ना कर दो. तो as I said, ये 5 reasons होते हैं mainly गलत answer होने के. Okay, so now let's go to the second step of mock analysis. Second step is analyzing all the questions. फिर चाहे आप उसमें राइट भी थे तो भी. यस, दिस इज बिकॉज आपका क्वेश्चन भले ही राइट आ गया हो, फिर भी फर्स्ट थिंग इट वॉज ड्यू टू लक. आपका कुछ और ही रीजनिंग था क्वेश्चन को मार्क करने में और जो असल रीजनिंग था वो कुछ और ही था. सेकेंड चीज हो सकता है कि आपके क्वेश्चन भले ही राइट आ गया हो बट आपको एक्सप्लेनेशन में जाके और भी अच्छा तरीका मिल जाए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और कम समय में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको एंड सो ऑन. सो नाउ लेट्स गो टू दी थर्ड स्टेप. प्रायोरिटाइज लाइक एनीथिंग. सो एक लीडर थे आइजनहावर करके, उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया था, आइजनहावर मैट्रिक्स जिसको कहा जाता है. ये मॉक एनालिसिस में आपको बहुत हेल्प करेगी और ये पर्सनली मैं भी अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करता हूँ. सो इसके अकॉर्डिंग यू नीड टू डिवाइड थिंग्स इनटू 3 मेन कैटेगरीज. फर्स्ट अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, सेकंड नॉन अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, थर्ड नॉन अर्जेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट. सो आप जैसे ही मॉक एनालिसिस करते हो अब आपको लिखना है कि क्या क्या टॉपिक्स आपको नहीं आते, क्या क्या गलतियां आपने करी, क्या क्या सेक्शंस है जिसमें आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है एंड उन सबको प्लीज लिख देना एक जगह पे. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू इम्प्रूव माई वोकैबुलरी, आई नीड टू क्लियर जीके बैकलॉग ऑफ लास्ट 2 months, आई नीड टू प्रैक्टिस स्ट्रेंथिंग आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन, नीड टू स्टडी परसेंटेज चैप्टर एंड सो ऑन. सो एज आई सेड, अब आपको प्रायोरिटाइज करना है, क्लासिफाई करना है 3 ग्रुप्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ्स में आपका परसेंटेज चैप्टर नहीं हुआ है, यू विल लूज मार्क्स इन DI. सो कीप इन अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट. जीके के लास्ट के 3 से 4 months की अगर आपकी बैकलॉग्स नहीं हुई है, ये अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट है. लॉ में करंट लीगल जीके नहीं हुई है, अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट. अगर आप इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे हो पैसेजेस को, मतलब आपको रीडिंग की और ज्यादा जरूरत है, तो जितना भी आपके पास अभी समय है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा रीड करो एडिटोरियल्स एंड सो ऑन. सो दिस इज आल्सो अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट. उसी तरह से वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तो वोकैबुलरी ऐसा नहीं है कि आपकी एक दिन में इंप्रूव हो जाएगी, इसमें आपको कई समय लगने वाला है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इसको आप करते जाओ समय के साथ साथ. स्टैटिक जीके अच्छी नहीं है, अब स्टैटिक जीके भी इतनी अर्जेंट नहीं है कि आप इंप्रूव करो, बट इंपॉर्टेंट जरूर है, बट इसको आप आराम से कर सकते हो. उसी तरह से कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे इनपुट एंड आउटपुट एंड ऑल दोस थिंग्स, दीज आर नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, सो यू कैन डिस्कार्ड देम और अननेसेसरी इन पर अपना ध्यान मत दो. ये मैंने आपको बस एक गाइड करा है, आपको अपने हिसाब से यूज करना है, बट इसको प्लीज यूज करना. क्लासीफाई द टास्क इनटू अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट एंड सो ऑन. सो जस्ट टू रिकैप, दीज आर द 3 स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो फॉर मॉक एनालिसिस. आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हो फॉर मोर टिप्स ऑन हाउ टू इंप्रूव योर मॉक मार्क्स. बाकी एज मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहा था कि मैं अपना खुद का एक चैनल भी लॉन्च कर रहा हूं विच वुड बी डेडिकेटेड सोली टू क्लैट प्रेप. सो मेरा चैनल है वाइसो लीगल, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन विजिट इट. मेरी वेबसाइट भी है वाइसो लीगल, जहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लैट के आर्टिकल्स मिलते हैं. तो मैंने अपना एक चैनल भी लॉन्च कर दिया जहाँ पे मैं डेडिकेटेडली क्लैट रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ एंड फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने वाली है अब क्लैट रिलेटेड वीडियोस की. अब मॉक्स के बारे में वीडियो था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि हमें कौन से मॉक्स सॉल्व करने चाहिए. देखो, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. आप कोचिंग में इनरोल करो नहीं करो बट मॉक्स बहुत जरूरी होता है इनरोल करना, बिकॉज ये आपको एग्जाम के एनवायरमेंट में हर रोज डाल देता है जब भी आप वो सॉल्व कर रहे होते हो. मैंने पर्टिकुलरली 2 मॉक सीरीज बाय करी थी, लीगल एज एंड करियर लॉन्चर. यू कैन गो फॉर एनी वन दैट यू लाइक, बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस लीगल एज रही थी एज देयर मॉक्स आर टफ एंड दे प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. एंड मैंने अपनी क्लैट प्रिपरेशन में हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को हैंडल करने का ही माइंडसेट रखा था. आई वेंट फॉर लीगल एज प्रीमियम टेस्ट सीरीज, इसमें मॉक्स एंड मटेरियल्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं, सो यू कैन चेक देम आउट इफ यू लाइक. एंड एज आई हैव टाइड अप विद लीगल एज, इफ यू डिसाइड टू गो विद देम, यू कैन यूज माई कोड Harshal15 एंड यू विल गेट 15% डिस्काउंट क्रॉस एवरी प्रोडक्ट ऑफ लीगल एज, फिर चाहे मॉक्स बाय करो, फिर चाहे कोचिंग बाय करो एंड सो ऑन. लीगल एज अपना फाइटर एंड वॉरियर बैच भी स्टार्ट करें, सो यू कैन चेक देम आउट एज वेल, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को जेन्युइनली कोचिंग की जरूरत होती है एंड यहाँ पे दे माइट हेल्प. लास्टली आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल अबाउट माई कोर्स. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025 और 2026, दिस वुड हेल्प. इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल क्लैट कोर्स आउट देयर और मोर देन 150 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इनरोल भी कर दिया है एंड इस कोर्स को एवरेज रेटिंग 4.9 मिली आउट ऑफ 5. So do visit the website, my new YouTube channel, the Telegram channel and so on. Overall, I hope ki ye video aapko help karega better mock test analysis ke liye. Thanks for watching this video till the end. Have a great day.